अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज हम बनाने वाले हैं बफेलो विंग्स। चिकन विंग्स के 14 से 16 पीसेस ले लें। लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, सिरका 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। चिकन को 30 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए रख दें। एक बाउल में 1 कप मैदा ले लें, उसमें 1 टीस्पून नमक डाल दें, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर भी डाल दें। अब इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर दें। मैरिनेटेड विंग का 1 पीस ले लें, उसे अच्छी तरह से मैदे में कोट कर लें। इसे अच्छी तरह से झाड़ के ठंडे पानी में डाल दें, सिर्फ 10 सेकंड के लिए डाल दें और फिर उसे निकाल के उसे ड्रिप होने दें और वापस मैदे में डाल के फिर से कोट कर दें। इससे से बहुत अच्छी क्रिस्पी लेयर आएगी। वापस से ऐसे झाड़ दें ताकि इसका एक्सेस मैदा निकल जाए। इसकी अब लेयर्स आ गई हैं, अब ये विंग्स हमारे क्रिस्पी बनेंगे। मीडियम फ्लेम पर तेल गरम कर दें और उसमें 1-1 करके विंग्स अपने डाल दें। 5 से 10 मिनट हम दोनों साइड को पकाएंगे जब तक ये टेंडर और क्रिस्पी नहीं हो जाती। विंग्स हमारे अब बन गए हैं क्रिस्पी से और गोल्डन ब्राउन भी हो गए हैं। इसे अब निकाल देंगे और एक प्लेट में रख देंगे। सॉस बनाने के लिए हम पैन में 2 टेबलस्पून बटर डालेंगे, उसे मीडियम हीट पे मेल्ट करेंगे। वन टीस्पून गार्लिक डाल देंगे। कुछ सेकंड के लिए हम इसे बटर में पकने देंगे। इसमें 1/2 कप हॉट सॉस डालेंगे, ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हाफ कप पानी डाल दें। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। नमक 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हनी 1 टेबलस्पून। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। इसे 5 मिनट तक पकाएं।
इसे साइडों में से हल्का सा सिमर आएगा, ये खुद ही थिक हो जाएगी सॉस। यहाँ पे मेरी सॉस थिक हो गई है, सॉस अब रेडी है, फ्लेम बंद कर देंगे। एक बाउल में हम क्रिस्पी विंग्स डाल देंगे, उसमें ही हम अपनी बफेलो सॉस डाल देंगे। इसे अब हम टॉस करेंगे ताकि बफेलो सॉस हमारी चिकन के साथ पूरी कोट हो जाए। आप इसे स्पैचुला की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। बफेलो विंग्स हमारे यहाँ पे रेडी हो गए हैं। अब आप इसे प्लेट आउट कर दें और गरम गरम सर्व कर दें। बफेलो सॉस बहुत हॉट और स्पाइसी होती है, उसके साथ आप कोई स्वीट सी डिप सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।